बलराम, वर्तमान में अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है? देखिए, आपको बताएं कि जिस तरीके से यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, ठीक उसी तरीके से जिन इलाकों में पानी पहुंचा था वहां पर भी अब धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। अगर हम बात करें, चाहे वो आईटीओ हो, चाहे वो सिविल लाइन का इलाका हो, या फिर आईएसबीटी का जो बस स्टैंड है वहाँ की बात की जाए, या फिर कश्मीरी गेट की बात की जाए, या फिर हम बात करें जो यमुना बाज़ार का इलाका है, या फिर जो अन्य इलाके हैं वहाँ पर भी पानी जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि देखिए, जब पानी आता है तो बहुत फोर्स से आता है, लेकिन जब वो जाता है तो धीरे धीरे जाता है। जैसे जैसे यमुना का वाटर लेवल नीचे जा रहा है, वैसे वैसे जहाँ जल भराव की समस्या थी, जहाँ इस बाढ़ का पानी पहुँचा था, वहाँ से भी जो पानी का स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पानी है वो इलाकों से धीरे धीरे कम हो रहा है। इस वक्त हम सिविल लाइन में मौजूद हैं और जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी आपको लबालब दिख रहा होगा, लेकिन दो दिन पहले यही पानी बहुत ज़्यादा था और यहाँ पर करीब 8 से 10 फीट पानी था, लेकिन आज ये पानी घट के 4 से 5 फीट रह गया है। और धीरे धीरे आप देखिए कि जो निशान है वो दीवार पे आपको साफ नज़र आ रहे होंगे कि किस लेवल तक ये पानी था, और अब देखिए धीरे धीरे जो इसका स्तर है वो नीचे जा रहा है। तो यानी यहाँ पर भी जो पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और कई मार्ग ऐसे हैं जहां पर पानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और उन मार्गों को अब फिर से पहले की तरह चालू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कई इलाकों से पानी ख़त्म हुआ है, तो कई इलाकों में अभी भी पानी बना हुआ है। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है और यमुना का जलस्तर नहीं बढ़ता है तो धीरे धीरे जो ये पानी इलाकों में गया है वो कम हो जाएगा। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि अगले 12 घंटों में कई इलाकों का पानी जो है वो कम होगा और कई इलाकों का पानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है कि अब यमुना का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है। अगर हम दोपहर 2 बजे की बात करें तो करीब 207.18 मीटर जो है यमुना का जो जलस्तर है वो नापा गया है। अभी भी जो यमुना का जलस्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और सुबह से देखा जा रहा है कि जो यमुना का जलस्तर है वो घटता हुआ नज़र आ रहा है। यानी अगर जिस तरीके से यमुना घट रही हैं, अगर इसी तरीके से घटती रहीं, तो उम्मीद है कि कल तक यमुना अपने उसी स्वभाव में आ जाएंगी जिसके लिए वो जानी जाती थी। यानी जो खतरे की घंटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, जो डेंजर लेवल है यमुना का उसके नीचे आ सकती हैं कल शाम तक यमुना, इस तरीके की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में येलो अलर्ट है और यहाँ पर कई इलाकों में बारिश हो सकती हैं, तो उससे जो है सरकार की चिंताएँ ज़रूर बढ़ी हैं। क्योंकि अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं देखिए मुश्किलें तो बढ़ेंगी। यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई और उस बैठक में जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं उन्हें बुलाया गया है ताकि उनसे चर्चा हो सके कि किस तरीके से सरकार आगे काम करे, ताकि जो राहत बचाव का कार्य किया गया है अगर बारिश होती है या अन्य कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें सरकार कैसे काम करेगी। साथ ही जो मौजूदा हालात हैं कि कहां कहां अभी भी पानी भरा हुआ है और उस पानी को कैसे निकाला जाए, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएं, इन तमाम विषयों पर आज इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। और करीब 4:30 बजे ये CM के कैंप ऑफिस में बैठक शुरू होगी सिविल लाइन में। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से हालात बिगड़े थे दिल्ली के अंदर, उसे काबू करने की कोशिश लगातार केजरीवाल सरकार कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो ओखला बैराज का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था वो भी चालू हो गया, तो कई इलाकों में जहां पानी बाधित था वहां नहीं पहुंच रहा था, तो वहां पर भी अब पानी पहुंचना शुरू हो गया। क्योंकि आप देखिए यमुना का जलस्तर इतनी तेज़ी से बढ़ा था कि 3-3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो पानी है वो पहुंच गया था। यही वजह है कि उन्हें बंद करना पड़ा सरकार की तरफ से। हालांकि अब यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा, तो जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो भी चालू किए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से हर संभव मदद भी की जा रही है लोगों की जो इस बाढ़ से ग्रसित थे। और करीब 2700 राहत कैंप सरकार की तरफ से लगाए गए हैं ताकि
जो लोग इस बाढ़ की चपेट में आए थे उन्हें वहाँ रखा जाए और वहाँ पर उनके खाने की सुविधा है, उनके मेडिकल की सुविधा है, साथ ही वहाँ पर उन्हें सारी व्यवस्थाएँ दी जा रही हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि देखिए, घर घर होता है, कैंप कैंप होता है, लोगों को दिक्कत तो हो रही है क्योंकि वो अपना घर छोड़ करके वहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके के हालात थे, जिस तरीके से राहत बचाव का कार्य किया गया वो भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि देखिए कोई जनहानि नहीं हुई। कुछ लोग ऐसे रहे कि जो पानी में जा करके सेल्फी लेते हुए नजर आए, कुछ लोग नहाते हुए नजर आए। जी चलिए बिल्कुल, और लोगों को इस तरीके की हरकतें अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि ऐसे ही वजह से 3 बच्चों की जान भी चली गई थी। पानी अगर है तो पानी से इस वक्त दूर रहें, नदी के आसपास ना जाएं। तरुण भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तरुण इस वक्त ITO में मौजूद हैं। तरुण, ITO का क्या हाल है इस वक्त, पानी कितना उतरा है? देखिए धर्म, इस समय मैं शांतिवन पर मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप प्रशासन की कवायद देख सकते हैं, एक पंपिंग यहां पर क्रिएट की गई है। ये इस मोटर की मदद से ये जो फ्लडेड वाटर है यमुना का, जो इस समय रिंग रोड पर आपको दिखाई दे रहा है, उसको नज़दीक के पार्क में डाइवर्ट कर देगा, या ये पानी पंप करके उस पार्क के अंदर डाल दिया जाएगा, जिससे कि जो ये रिंग रोड का ये जो पैच है जो लाल किले को कनेक्ट करता है, उसके पीछे की रोड को कनेक्ट करता है सलीमगढ़ फोर्ट को, ये उससे फंक्शनल हो पाएगा। और अगर इस पार्क के अंदर ये पूरा पानी समा गया तो अगले 2 घंटे के अंदर संभव हो पाएगा कि रिंग रोड का ये जो हिस्सा है वो सामान्य आवाजाही के लिए खोल दिया जाए। रिस्पेक्टिव लोकेशंस में जहां पर वाटर लॉगिंग है, जैसे कि सलीमगढ़ फोर्ट के पास जो एक आइकॉनिक जगह है और इस समय गलत कारणों से चर्चा में भी है कि 1978 की स्थिति या फिर जब शाहजहां ने लाल किला बनाया था तो यमुना टच करती हुई गुजर रही थी, वहां पर भी भारी जलभराव है, लिहाजा वहां पर भी इसी तरह से मोटर पंपिंग के जरिए दूसरी जगह पर पानी को ढकेला जा रहा है जिससे कि किया जा सके। हालांकि एक रोड के हिस्से पर मुझे यहां पर वाटर पार्क जैसा महसूस, लोगों की आती हुई तस्वीरें भी दिखाई दी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कैमरा या बॉन्ड कि हम लोग टीवी पर आ रहे हैं, लिहाजा इंटेंशनल मेरी इंटेंशन इस समय रिलीफ ऑपरेशन पर है जो सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर की जा रही है। चलिए तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बलराम भी हमारे साथ जुड़े थे। बलराम का भी बहुत बहुत शुक्रिया।